हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है जिसका आप लोग वेट करते हो, वो आ चुका है। और वो अनाउंसमेंट है ओलंपियाड्स का अनाउंसमेंट। 23 और 24 नवंबर को सारे जो साइंस बेस्ड ओलंपियाड्स हैं वो होने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले IUQM का आया था। तो ये एक पैटर्न रहता है जिसके अंदर बेसिकली सर क्या होता है कि पहले JEE वगैरह सब खत्म हो जाए, फिर ओलंपियाड्स की बारी आती है, ऐसे पूरा साल अपना निकल जाता है। तो सर, क्या साइंस ओलंपियाड के लिए क्या हम लोग करने वाले हैं साइंस बेस्ड ओलंपियाड्स के लिए? देखिए, साइंस ओलंपियाड के लिए इस बार हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं बच्चों के लिए, और पहले से ही कर रहे हैं। और आप पता ही है कि हम इस पे ऑलरेडी जो बच्चे 2-3 महीने निकल गए, जिसमें हम कुछ भी आपको लग रहा होगा हम नहीं कर रहे होंगे, हम एक्चुअली में प्रिपरेशन कर रहे थे आपके लिए। और उस प्रिपरेशन में क्या था, हमारे लैंडिंग पेजेस जो है ना, अब वो फुल्ली लोडेड हैं सर, फुल्ली लोडेड मतलब सब कुछ फ्री। आपको, आप एक बार जाके तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर। मतलब आपके पास मॉक टेस्ट है, उसमें असाइनमेंट्स हैं, PYQs है, मेरे लेक्चर्स हैं, आपके लेक्चर्स हैं, है ना, और पुनीत सर के लेक्चर्स हैं, एरोडो के सॉल्यूशंस हैं, HCV सॉल्यूशंस हैं। तो मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से लोडेड है अपनी इस बार लैंडिंग पेजेस। तो बच्चे, उन लैंडिंग पेजेस में जाएं आप, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से वर्क किया है इस बार आप लोगों के लिए। साथ ही साथ हम लोग ने एक पूरा का पूरा एक साल का एक प्लान भी चल रहा है, एक कोर्स भी चल रहा है हमारा NSCP का, NSCC का, जैसा कि IUQM का भी चल ही रहा है। बिल्कुल, है ना सर। तो ये मतलब मेरा ये कहना है कि इस बार जो है ना, हम कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। तो सर, इस बार अगर जैसे मान लीजिए बच्चों को लाइव पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के मैक्सिमम लेक्चर्स रिकॉर्डेड आ रहे हैं, तो अगर लाइव पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं बच्चे लाइव के लिए? जो मेरी प्लानिंग है इस बार वो ये है कि देखिए, नवंबर में है एग्जाम, ठीक है, नवंबर के लास्ट वीक में संडे, वही 24 जो भी है, जो क्या डेट्स आई है, 24 और 23, मतलब 23 तारीख को सर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, 24 तारीख को सुबह 8:30 से 11:30 आपका, 8:30 से 10:30 NSCP, और उसके बाद फिर बाकी, ठीक है ना। तो मेरा मानना यह है कि हमें ना अक्टूबर में वाइंड अप कर देना चाहिए जो भी हम लाइव क्लासेस लाएं। Correct. तो हम 3 मंथ का हम चाह रहे हैं कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने का एक क्रैश कोर्स हम लाने जा रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स में बच्चे आप पढ़ाई करें, आपको लाइव सारा कंटेंट मिलेगा, आपको सारा सपोर्ट मिलेगा, मतलब सारी फैसिलिटीज, और जाहिर सी बात है कोटा के शानदार टीचर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और इसमें आपको डाउट्स वगैरह आपके डिस्कस किए जाएंगे। ये क्रैश कोर्स है बच्चों, तो मतलब मेरे हिसाब से ना, इस समय बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो 3 महीने में ओवरऑल हमारे वाइंड अप कर दे, अच्छा सा क्लोजर मिल जाए, क्लोजर मिल जाए। बिल्कुल। तो यही मैंने प्लान किया है। बिल्कुल। तो अभी सर जैसे अपने ओलंपियाड गोल है, ओलंपियाड गोल पर अपने मतलब IUQM का कोर्स चल रहा है, NSCP का चल रहा है, NSCC का चल रहा है, तो सर वो बिल्कुल अपनी प्लानिंग में चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। हाँ। वो अलग कोर्स है, हम एडिशनल क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो गाइज, इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे साथ लाइव क्लासेस के साथ, तो ओलंपियाड गोल का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों कि हम लोगों ने जो 3 मंथ की और 6 मंथ की प्राइसेस है वो गिरा दी है, ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिल सके। एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम लोग आपको दे रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ। दोस्तों, जो बच्चे खासकर 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर हैं, उनके लिए फाउंडेशन अब एक कंपल्शन है। अर्ली स्टार्ट इज अ कंपल्शन, नॉट एन ऑप्शन एनीमोर। सो गाइज, इस ऑफर, इस अपॉर्चुनिटी को, एक चीज प्राइस को लेकर के मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे मतलब हमारा देखिए, कंटेंट वाइज हम नंबर 1 है, उसमें बच्चे भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जैसे हैं पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, तो उसमें तो कोई ही नहीं। बिल्कुल सर। अब क्या होता है, प्राइस में थोड़ा दिक्कत रही है, ऐसा लोगों ने बोल दिया है, तो मैं उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग जो है वो 1500 से 2000 में कोर्स ला रहे हैं, तो अपने में हम ऐसा क्या बच्चों को मैं चाहता हूँ कुछ दें, ताकि ज्यादा बेनिफिट मिले बच्चों को सेम प्राइस पर, और बेहतर क्वालिटी तो मिल ही रही है। करेक्ट सर। तो देखिए, अपना हमेशा से जो मतलब एक USP रहा है, इट हैज नेवर बीन प्राइस, है ना, हमारी क्वालिटी वैल्यू ऑफरिंग, ये चीज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट USP रही है। बिल्कुल। जब आपने जब फिजिक्स का आर्किटेक्चर बनाया पूरा, तो उसके पहले का जो वर्किंग है, सारे PYQs अपलोड करना, सब चीजों के वीडियो सॉल्यूशन बनाना, जो असाइनमेंट है चैप्टर वाइज वो प्रिपेयर करना, पहले हम लोगों ने सब चीजें प्रिपेयर किए, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम लोग बच्चों तक उन सब चीजों को लेके आए। तो ये सर, बाकी जितने भी कोर्सेज जो चल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वो उन कोर्सेज के अंदर क्या है, वो ऐसा है कि यार करने के लिए कर रहे हैं भाई, सब करना हम भी करते हैं। बिल्कुल। बट अपना क्या एक डीप थॉट है, ओलंपियाड कॉर्नर जो चैनल है वो आज का चैनल नहीं है, 1 साल पुराना चैनल नहीं है, 2 साल पुराना चैनल नहीं है, पिछले 4 सालों से ओलंपियाड के लिए सबसे बेस्ट चैनल अगर कोई माना जाता है तो ओलंपियाड कॉर्नर है। और मैं तो यही चीज बोलूंगा दोस्तों, जो हमारी लेगेसी है
उस लेगेसी का आपको फायदा उठाना है, जो भी चीज है। मैं तो सिंपल सी बोल रहा हूँ सर, जिन चीजों के लोग 1500-2000 रुपए ले रहे हैं वो तो अपने चैनल पे पहले से ही फ्री पड़ी हुई है। तो फ्री की चीज के 1500 रुपए देने का क्या सेंस है ना। इससे बढ़िया कि कोई ऐसी चीज हम लोग करें जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब क्वालिटी के साथ साथ अपने को इतनी क्वालिटी, मतलब जो फ्री में मिल रही है वो नॉर्मली लोगों को पैसे देकर के देनी पड़ रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ओलंपियाड। हाँ, एक ओलंपियाड। यहाँ तो क्या है, यहाँ पे सारे ओलंपियाड। दैट इज व्हाई इट इज ओलंपियाड कॉर्नर। तो सर इसमें एक चीज और बच्चे बोल रहे थे सर कि हम लोगों को एमबी सर रोज दिखते भी और नहीं भी दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डेड में तो आप उनको नजर आ रहे हो, मगर बच्चे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं आपसे, तो सर वो प्लान आप जल्द ही बिल्कुल बताऊंगा, और जल्द ही एक वीडियो मेरा आएगा और उसमें मैं वो प्लान भी बच्चों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आगे गुफ्तगू करने जा रहा हूं। करेक्ट। सो गाइज, यू हर्ड इट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ दैट ही विल बी कमिंग वेरी वेरी सून फॉर यू एंड टू गिव यू द टिप्स विच यू रिक्वायर टू क्रैक ऑल द ओलंपियाड्स। सो गाइस, आई थिंक दैट इज इट फॉर द डे सर। यस, तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग सारी जो चीजें सर ने बताई हैं आपको, मैंने बताई है उनको प्लीज एक्सेस कीजिए, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट्स क्रैक इट।